तो गाइस पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्या आप इस पोस्टर को देखकर आप बता सकते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। इनका ऐसा मानना है कि मैं यहाँ पर हूँ केवल रोमन रेंज की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट रोमन रेंज और कोडी रोड एक बार फिर से रीयूनाइट हो चुके हैं, यानी कि एक साथ हो चुके हैं अगले मैच के लिए। इसके बाद नेक्स्ट गाइस इस बार यहाँ पर व्यूअरशिप देखने के बाद ये साफ पता चल गया कि यहाँ पर रोमन रेंज का कितना अहमियत है। उसके बाद नेक्स्ट ये रहा रोमन रेंज का अगला मैच, इसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ जैकब फातू और ट्रिपल एच के बीच यहाँ पर बैक स्टेज। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे ही न्यूज अपडेट और रूमर से जुड़े रहने के लिए WWE से। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जिमी उसो को रिटर्न को लेकर। गाइस यहाँ पर जो जिमी उसो का रिटर्न है वो काफी नजदीक आ चुका है, हो सकता है की अगले स्मैकडाउन पर इनका भी रिटर्न देखने को मिल जाए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या आपको पता है, रोमन ने अकेले 55 मिलियन व्यूअरशिप गेन किया था केवल 12 घंटों के अंदर जब यहाँ पर WWE में रिटर्न किए थे। गाइस यहाँ पर जब मैच हो रहा था स्मैकडाउन पर कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच, तभी यहाँ पर रोमेज का रिटर्न देखने को मिलता है। इसी रिटर्न के लिए तो सारे फैंस यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर काफी लोग एक्साइटेड भी थे इनको देखने के लिए एक बार फिर से WWE में नए कैरेक्टर के साथ। उसके बाद गाइस यहाँ पर रोमेज और कोडी रोड एक साथ यहाँ पर रीयूनाइट होते हैं अपने अगले मैच के लिए, यानी कि इनका एक मैच यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है सोलो सिकोवा से। गाइस ये जो ऑफिशियली यहाँ पर ये मैच कन्फर्म हुआ है, ये आपको मैच देखने को मिल जाएगा यहाँ पर बैड ब्लड लाइन पर। एक तरफ होंगे रोमेज और कोडी रोड, वहीं दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर सोलो सिकोवा, टामाटोवा और टामालोंगा। आप इस पोस्टर को देखकर आपको भी ख्याल आ चुका होगा कि आपका आइडिया किस प्रकार होता है यहाँ पर रोमेज को लेकर। गाइस यहाँ पर सारे फैंस का यही होता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ केवल रोमेज को देखने के लिए। सेम इस प्रकार यहाँ पर इस व्यक्ति का भी यहाँ पर यही माइंडसेट था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट कल के स्मैकडाउन पर आपने ये मीम भी देखा होगा जहां रोमेज कल के स्मैकडाउन पे किस प्रकार माइक मांगते हैं यहाँ पर, और गाइस ये वाला स्टाइल देखकर यहाँ पर पॉल हिमन का याद आ जाता है। उसके बाद गाइस दैन और नाउ, यानी कि पहले के ट्रैवल चीफ में और इस समय ट्रैवल के चीफ में आप देख सकते हैं काफी सारे चेंजेस तो नहीं देखने को मिले, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला। अब इस फोटो को देखकर सिमिलर पता लगा सकते हैं। वैसे गाइस इस बार के स्मैकडाउन पर यहाँ पर ट्रिपल एच और जैकब फातू के बीच कुछ तो हुआ था यहाँ पर बैक स्टेज, जहाँ ट्रिपल एच और जैकब फातू एक दूसरे के ऊपर चिल्ला बैठे थे। हालांकि ये क्लियरली पता नहीं हुआ था कि आखिर क्या हुआ इनके बीच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आप ये पिक देख सकते हैं जहाँ एक तरफ रिया रिपली है और बैड मैथ्यू है, जहाँ एक दूसरे के लिए यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार का यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। तो गाइस ये रहा इस बार के स्मैकडाउन का न्यू लोगो, आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये लोगो है। तो गाइस कल के स्मैकडाउन पर जब यहाँ पर रोमेज का रिटर्न हुआ तो उन्होंने यहाँ पर कोडी रोड को बचा लिया सोलो सिकोवा से अटैक करने से, पर कोडी रोड एक बार फिर से अपना सक्सेसफुली टाइटल रिटेन कर लेते हैं सोलो सिकोवा से। उसके बाद नेक्स्ट ये रहा इस बार के स्मैकडाउन का थीम सॉन्ग, आप देख सकते हैं ये नीमा प्ले कुछ करके है। उसके बाद गाइस एक बार फिर से एलमांडो अजांडर ने यहाँ पर साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं WWE के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट प्रीमियर लाइव इवेंट यानी बैड ब्लड के लिए अभी तक 5 मैचेस यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं WWE की तरफ से। मैच हुआ है यहाँ पर रोमेज कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच, दूसरा मैच यहाँ पर हुआ हेल इन ए सेल ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच, और तीसरा मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हुआ ली मॉर्गन वर्सेस रिया रिपली के बीच, चौथा मैच यहाँ पर हुआ है नाया जैक्स वर्सेस टीबीडी के बीच। उसके बाद गाइस फाइनल लास्ट मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हुआ है यहाँ पर फिन बैलर और डेमन प्रिस्ट के बीच। तो गाइस ये रहे आज के सारे न्यूज अपडेट और रूमर्स जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।